Hi friends, here is Amul to give you a dream 11 team of Ireland way and Afghanistan way. इस टीम की हम बात करें तो इन दोनों ही टीम में आयरलैंड की जो टीम है वो कि ज़रा थोड़ी वीक टीम है और अफ़गानिस्तान की थोड़ी स्ट्रॉन्ग टीम है। तो हम हमारी टीम में अफ़गानिस्तान के मैक्सिमम फील्डर लेंगे ताकि आयरलैंड की टीम की तरह से। मैं टीम बनाने से पहले आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जो कि आप इस वीडियो को पूरा देखते रहिए, जो कि आपका आपके कुछ पॉइंट मिस ना हो जिससे आपकी टीम अच्छी ना बन पाए। तो आप हमारा पूरा वीडियो देखिए और आप अच्छी टीम बनाने में आपको हेल्प होगी। तो हम विकेट कीपर के बारे में बात करें तो इकरम अली खान, जो कि वो वन डाउन को बैटिंग करते हैं और बहुत ही अच्छी बैटिंग करते हैं, तो हम इनके साथ जाएंगे। और आयरलैंड के दोनों ही विकेट कीपर में बहुत ही मैं अच्छे ऑप्शन नहीं बताऊंगा, लेकिन आप कुछ अलग करना चाहते हैं तो मार्क डोगन को भी ले सकते हैं जो कि अच्छे बल्लेबाजी करते हैं। अगर आप ग्रैंड लीग में मार्क डोगन को आजमाना चाहते हैं तो आजमा सकते हैं। मार्क डोगन को देखिए, ओनली 11% लोगों ने लिया है। अगर ये चलते तो आपको अच्छा फ़ायदा होगा, लेकिन मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा, आप इकरम अली खेल के साथ ही जाइए। हालांकि मार्क डोगन ओपनिंग करते हैं, अगर चल जाएंगे तो आपको अच्छी अच्छी ग्रैंड लीग विन करा सकते हैं। तो आपके हिसाब से मार्क डोगन को भी आप ले सकते हैं, लेकिन मैं इकरम अली को ही लूँगा। हम बैटिंग सेक्शन की बात करें तो हम दर्शन रसोली को लेंगे और इब्राहिम जादरान को, जो कि ओपनिंग में आते हैं और रसोली मिडल ऑर्डर में बैटिंग करते हैं, बहुत ही अच्छी बैटिंग करते हैं। और हम आयरलैंड की बात करें तो जेमी ग्रासी को लेंगे, जो कि ओपनिंग करते हैं और अच्छे पॉइंट और अच्छे बैटिंग बल्लेबाजी करते हैं। ऑप्शन के बारे में बोले तो आप रहमा उल्ला को भी ले सकते हैं और टॉम ट्रैक्टर को भी ले सकते हैं। हालांकि टॉम ट्रैक्टर अच्छी फॉर्म में नहीं है, लेकिन ग्रैंड लीग में आपको विन करा सकते हैं। और एक बैट्समैन को हम लेंगे जो कि रहमतुल्ला, वो भी ओपनिंग करते हैं और अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। हालांकि लास्ट मैच में इन्होंने जल्दी आउट हो गए थे, लेकिन ये अच्छे फील्डर है, कुछ भी कर सकते हैं। ऑलराउंडर सेक्शन में हम अजमतुल्ला को लेंगे, जो कि मिडल ऑर्डर में बैटिंग करते हैं और गेंदबाजी भी अच्छी कर लेते हैं। और आयरलैंड की तरफ से हम मॉर्गन टॉपिंग को लेंगे, ये दोनों ही बैट्समैन को हम लेंगे। हम ऑलराउंडर में आपको मैं ऑप्शन दे देता हूँ, ग्राहम कैनेडी, ये भी अच्छे हैं। आप मॉर्गन की जगह पे ग्राहम को भी ले सकते हैं आपके हिसाब से। और दूसरे ऑप्शन मैं आपको नहीं दूंगा क्योंकि वो उतने अच्छे ऑप्शन नहीं है। और बॉलिंग सेक्शन में हम मुजीब जादान को लेंगे, कोसिम अहमद को लेंगे, जोशा लिटल को लेंगे और एरॉन कानवे को लेंगे। ये चार बॉल के साथ जाएंगे हम। मैं आपको ऑप्शन दे दूंगा, नवीन उल हक को भी ले सकते हैं, उन्होंने लास्ट मैच में बहुत ही अच्छी बॉलिंग की थी। और जहीर खान को भी आप ले सकते हैं। और आयरलैंड की तरफ से अब जोनाथन ग्रैथ को भी ले सकते हैं, लेकिन हम इन चार बॉलर के साथ जाएंगे क्योंकि अच्छे हैं, आपके पास क्रेडिट है, आप दूसरे बॉलर को भी ले सकते हैं, या आप तीन ऑलराउंडर के साथ जा सकते हैं या पांच बैटर के भी साथ जा सकते हैं, आपके हिसाब से। हम कप्तान वाइस कप्तान के बारे में बात करेंगे तो कप्तान में हम अजमतुल्ला को लेंगे, जो कि बहुत ही अच्छे ऑलराउंडर है और बॉलिंग में भी विकेट निकाल देते हैं और बल्लेबाजी भी ठीक ठाक कर लेते हैं, तो हमें अच्छे पॉइंट देंगे। और वाइस कप्तान में हम रसोलू को लेंगे, आप इसका उल्टा भी कर सकते हैं आपके हिसाब से। और मैं आपको ऑप्शन दे दूंगा, इब्राहिम जादरान, जेमी ग्रासी और रहमतुल्ला, इन तीनों में से आप ले सकते हैं। और बॉलिंग में आप आजमाना चाहते हो तो कोई अहमद को भी ले सकते हैं आपके हिसाब से। तो देखिए दोस्तों, आपको हमारी टीम अच्छी लगी तो आप हमें लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ये टीम का प्रीव्यू मैं आपको बता दूंगा, तो ये देखिए दोस्तों। Thank you, friends.